हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं ऋषभ खेल रहा है। सोनाक्षी बाहर गई थी, नीचे वाले घर की भंडारा था, तो वहाँ से ये प्रसाद वगैरह लेकर आई है। हमने बोला जा सोनाक्षी नीचे भंडारा है, ले आई, हमको दे रही है, इधर किट्टों को भी दे रही है। हमने बोला किट्टो लो खा लो, तो वो बोलती मेरा पेट भरा है, लेकिन फिर भी माथा टीका, मतलब कि माथा जोड़ लेती है और थोड़ा सा लेकर खा लेती है। देखिए जा रहे हैं, पर लग रहा है हमको ना भंडारा खाना बड़ा मस्त लगता है खाने में। मंगा ले, यही मत बनाओ। हाँ यार, भट तो रहा ढेर सारा, कोई जाए ना, हम लोग जाए लेकर आए, लेकिन कौन जाएगा लेने, शर्म आती है। टेस्टी तो है ना, सब्जी टेस्टी बना है। दिखाते हैं आप लोग को भी कहाँ दे है। हटो तो हटो ऋषभ, लो इसको पकड़ो, रखो। देखो तीन प्लेट लेकर आई थी सोनाक्षी, ये हमारे नीचे जो गली है ना, जो शादी था, देख सकते हैं वहाँ पर वहाँ भंडारा है, तो काफ़ी लोगों को बट रहा है, तो सब लोग बांट रहे हैं। हम जाए तो ढेर सारा दे, तो चलो यहाँ हम खा लेते हैं। कैसा था जी? टेस्टी है। चलो हम भी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सोनाक्षी खा रही है। कैसा है जी? तीखा लग रहा है ना, भंडारा का जो सब्जी होता है तीखा। इधर ऋषभ भी प्लेट में लेकर बैठ गया है। इधर क्या कर रही हो जी? हाँ? क्या हो रहा है? ब्लॉग एडिट कर रही हैं। हम भी सोच रहे हैं कुछ बना ही लेते हैं ब्लॉग के अंदर। किट्टू गई थी लेने के लिए, आ गई चिल्ला रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये किट्टू आ गई भंडारे का सामान खाना लेने। क्या वीडियो बना ले, हम की वीडियो बना लेंगे। पता है कि आज कभी भी खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो हम लोग तो खा लिए हैं, क्योंकि हम लोग तो देखो सोनाक्षी जुगाड़ कर रही है। देखो कोई देखेगा क्या सोचेगा, क्योंकि भंडारा है, घर के बगल में शादी थी। सारे नहीं, लोग बोले हैं कि ले जाओ और रात के समय दे रहे थे। कितना खाएंगे वो लोग? देख मैं खा लेती हूँ। जा पुड़िया और मांग ले आओ जी, वो तो दे रहे थे। मैं लेकर आए थाली, लेकर जाना चाहिए था हम लोगों को। बोले कटोरी लेकर आओ, कटोरी लेकर नहीं आएंगे। कटोरी थाली लेकर जाओ, पूरी देंगे। और हम लोग को जानते, पूरी गली देखता है ना, और कहीं उतर जाते हैं तो बड़े रिस्पेक्ट कर देते हैं। हाँ। जहाँ दो चीज कोई देता है तो हम लोग को चार देख के चार चीज देने लगता है। पहुँचा भी दिए हम लोग, नीचे खड़े थे तो पहुँचा दिए। अब हमें विश्वास नहीं था किट्टू लेने जाएगी यार। क्या हुआ, भंडारे का सामान हमने, तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड होते। चलिए मैं वीडियो थोड़ा सा इन लोग को दिखाई देती हूँ। कहते ऊपर देखो भैया, ऊपर वीडियो शूट हो रहा है ऊपर। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं, पहले बाहर का लाइट जलाते हैं। उधर देख, आज तो बैक कैमरा करके हम दिखाते हैं। इधर किट्टू खा रही है, देख सकते हैं भंडारे का सामान। और मैं मेकअप नहीं की हूँ, ठंड इतना है कि मेकअप करने का मन ही नहीं कर रहा है। तुम्हारा यहाँ नहीं बन रहा है, जैसे भी बनाओ देखो। लेकिन हम बना देंगे अच्छा, तो तुम्हारा आप बना लाए। चलो यार सही है, कैसे है ये तो मैं तकला दिखा रही हूँ जी। नहीं ऐसे थोड़ो ना, बाल नहीं है तो उसका तो हम ही बना रहे, तो कलर बन जा रहा है। तो सुनो तो हम बताते हैं। रुको जाओ, शीशा लेकर आओ, हम बता दे, तुम्हारा वीडियो शूट करो। तो गाइस मैं इनके बाल को बनाने जा रही थी, मैं फेल हो गई, अभी खुद से अपना कर रही हैं। तो भाई देखो ऐसे करते हैं, बाल पतला है, जिनके बाल नहीं होते क्या उनके जुड़े बाल हेयर स्टाइल नहीं बनते। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ से मांग निकाल लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे। मेरे बड़वा ना झर गए बहुत ज्यादा, अब कुल झाड़ झाड़ के बिस्तर अब गिरा इधर। नहीं जी बिस्तर नहीं गिराएंगे, खाली पेट भर गया। यहाँ इतना बाल ले लेंगे ना, देखो नहीं बन रहा इतना परफेक्ट। देखो ऐसे नहीं, तो ऐसे हाँ वहीं से करके वहाँ फिर बीच में से लगा लेते हैं ऐसे। चीज यहाँ नहीं आना चाहिए, चीज यहाँ आना चाहिए ना, ऐसे कर दो सरकार होनी चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं बनाया ढंग से, नहीं बनाया। चलो ऐसे ही झाड़ लो। हाँ लेकिन इनका बाल घना रहेगा, आराम से बन जाएगा। सोनाक्षी का अच्छे से बन जाएगा, लेकिन वो चितकबरी जैसी लगती है। तो वे छिपकली दिखते हैं। हाँ। अच्छा लगा हेयर स्टाइल जो झाड़ी थे हमको प्राची बताई थी, मामी ऐसे करिए अच्छा लगेगा। प्राची का भी तो ऐसे बाल है। हाँ प्राची का भी तो नहीं बनता है, तो भी अपना गुलिया उलिया के कर लेती है। अच्छा लेकिन लगता है, हम लोग का बाल क्या करे गाइस, कोई बता दे। मैं तो दवा बालों का मंगाया, तो मेरा दवाइया नहीं आया। ये देखिए बाल झड़ रही है, ये नहीं पता नहीं, मतलब ठंडी में बाल सब खराब हो जाता है जी।
कितना भी शैम्पू कर लेंगे ऐसे लग रहा लुड़ियान बन नहीं अच्छा लग रहा है ना? चलो ऐसे ही कर रहे रहो अच्छी लग रही है। थोपड़ा और कैसे लग रहा है इनका थोपड़ा दिखा देते हैं देख लीजिए आप लोग। अरे बाप रे जैसे चुड़ैन एक चुड़ैन ये है एक चुड़ैन वहाँ जो वीडियो ये हो गया इनका हेयर स्टाइल नहीं जो बाहर फैलेगा इसे अच्छा से कर लो। तो गाइस क्या करें आज का हमारे पास कुछ ब्लॉग नहीं था तो हमने सोचा ऐसे ही शूट कर लेते हैं कुछ पागलों जैसा तो देखते हैं भी कितना हो गया जोड़ते हैं फिर उसके आगे फिर मिलते हैं। A few moments later तो फैमिली देख सकते हैं घड़ी में साढ़े दस बजने वाला है और कल हमारा ब्लॉग नहीं आया था ना पता है ना इसका रीजन बहुत बड़ा है इसलिए नहीं बताएंगे बाद में बताएंगे। हंस भी रहे हैं रो भी रहे हैं तो वैसे सब्जी जो आया था तो पतिदेव आने वाले हैं जा रहे किचन में रोटी वोटी बनाने। यहाँ बच्चे लोग क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो फिर क्या कर रही हो मैसेज पढ़ रहे इनके दोस्तों का। मेरा ना कचौड़ी बनाने से पहले ना मेरा चाय पीने का मन कर रहा था तो देख सकते हैं यहाँ चाय बना रहे हैं अदरक को रेतते हैं इसमें अब पता नहीं क्या हो गया मेरी आवाज भी नहीं ठंड लग गई गले में। मेकअप वगैरह नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेकअप करते तो चेहरा खराब हो जाता है दाग धब्बे हो जाते हैं तो ये यूनिवर्सिटी में मेकअप वगैरह इकट्ठे करेंगे। तो चलिए चाय बना लेते हैं फिर आटा गूंथ लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं जो कचौड़ी छानेंगे। यहाँ पे किट्टो और यहाँ पे दोनों मिलके खाना बना रहे हैं क्या बना रहे हैं खाना नहीं बना रहे पता नहीं आज ऐसा क्या हो गया ना इतना भूख भी लग रही है आज बहुत चटपटा खाने का मन कर रहा है खाने का मन कर रहा है अरे मतलब कि कहीं शादी ब्याह में जाओ नहीं खाने मन करता है मन का नहीं मिलता नहीं मन का मिलता है गोल गप्पे किट्टो से वो अपने एड्रेस की है ना कानपुर का जो गोल गप्पे है ना मल्टी खा लोगी बहुत हम लोग खाए थे नस्ल अच्छी और क्या दस दस का वहाँ किसी की दुकान में भी गोल गप्पे खाने जाओगी ना मतलब वो स्वाद पानी कानपुर का खाना पीना अच्छा होगा। हाँ और वहाँ का मतलब कि हर जगह जगह खाने पीने का रेस्टोरेंट हर चीज तो पास पास में था और जाती हूँ जहाँ एक वहाँ पे हाउस का उठ रहे क्या कहते हैं हाँ क्या कहते हैं वहाँ सब सही है बस यही है कि थोड़ा सा साधन की बहुत दिक्कत है। पलटवा कहाँ है पलटवा कहाँ भैया वो जो गेस्ट वाला घर होता है उसके सामने पिज्जा का दुकान खाए थे हम पिज्जा भी खाए थे हम तो खाए थे मम्मी नहीं खाई थी हमको न खाने पीने का शौकीन नहीं है और गर्मी होता ऐसे छू लेते हैं अरे बाप रे हाथ जरी गया उतना भी ठंडी नहीं लगती लग रही है लग रही है नहीं काम करो नहीं लगती तो मम्मी इसमें चिप्स खा दो चिप्स को बल्टी रात को चिप्स कौन खाता है कौन खाता है भूत खाता है देखिए कौन सा चिप्स है बहुत अच्छा अच्छा चिप्स है इसमें चावल वाला है चावल वाला करो नहीं चावल इसमें भी चावल वाला ही है लेकिन ये नहीं अच्छा लगता छोटा छोटा अभी पूरी छाल लेंगे तो नहीं कर रहे थोड़ा सा ये देखे हो गया कि नहीं अरे किटकिट आएगा खा लिए देखो तो बस लास्ट में चाय बन के रखा हुआ है अभी तेल नहीं हुआ है देखते आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो फैमिली सुबह का टाइम हो गया है आप लोग मेरे बालों को लेकर बहुत कमेंट करते हैं बन्ना जी बाल झाड़ लिया करो जैसे किट्टो बनठन के आते हैं कैमरे के सामने आप भी आया करो। हाँ कल हमारे हस्बैंड के वाइफ में लोग बोल रहे थे कि किट्टो कितना अच्छा से बनठन के आती है आपकी वो आती है तो गाइस अरे तब बन के आओ देखो किट्टो हमसे गोरी भी है और अच्छी भी लग रही देखो कलर तो ऑपरेशन भलबाथ बच्चा बहन तो कैसे मतलब तो गाय से जानते हो बाल झाड़ लेंगे तो क्या कर फिर वही घर में रहना पड़ता फिर वैसे हो जाते हैं मेरा बलवा है ऐसे नहीं हम सुबह सो के उठते हैं ना क्योंकि ना मुझे हेयर का बहुत ज्यादा केयर करना है ना तो पहले सो के उठते हैं पहले कंघी कर लेते हैं हम नहीं करते हैं तब हमारा बलवा लुढ़िया जाता है क्या उसका केयर करोगे तो सही रहेगा। तो गाइस और सुबह से किट्टो तो खाना पीना बना दी है हम तो एक बार सबेरे उठे थे दोबारा सो गए थे फिर रूम में आ गए थे जो सर्दी वाला कपड़ा जो कल हम लोग ना जल्दी सो गए थे हम लोग बहुत जल्दी सो गए थे फिर हम तो लेट से सोए थे एक बजे रात को जब जिया जी आए थे तो पता नहीं क्या तुम लोग उसमें बहस सब लोग जाग रहे थे देख रहे थे थोड़ा बहुत आवाज आ रहा था और आए ना बेल बजा रहे थे हमके कौन 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 तो कह रहे खोल लो ये गए खोले तो गाय जानते हैं हमारे घर में ठंडी का कपड़ा इतना है ना इतना है मेरे अभी कुछ दिन पहले मैं निकाल कर लोगों को दे दी थी लेकिन आज फिर मैं छटैया करी हूँ जो फेंकना है जो रखना है तो बहुत सारे सॉक्स वगैरह था जो हमने अपना अरे
मतलब कि एक बाल्टी देखो ये सॉक्स है, तो इसमें सॉक्स और बनियान वगैरह रखते हैं। A few moments later. तो फैमिली सब काम धाम हो गया, ये शाम का क्लिप है। तो हम मार्केट गए थे और हमने बहुत सारा मतलब कि अपने साड़ी का फाल वगैरह सब कुछ खरीदा है, देख सकते हैं यहाँ पर आपसे रख दिया है। और पहले मैं मार्केट में जाकर लगवाती थी फॉल पीको लगवाती थी, मुझे मतलब कि मैं उसे टाइम नहीं रहता था तो इसलिए मैं करवा लेती थी मार्केट में, मतलब दर्जी के पास फॉल पीको, क्योंकि एक बार दो बार करवा लो नहीं मतलब समझ में आता है, जब बार बार करवाओ बार बार इतने पैसे लगते हैं तब समझ में आता है कि पैसे की कीमत क्या होती है। तो इस बार मैं दर्जी को केवल वनली ब्लाउज लेने की दी हूँ, साड़ी को फाल पीको करने के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि साड़ी को जो फाल लगेगा मैं खुद से ही कर लूँगी। और मैंने बोला कि एक तरफ जो पीको करवाते हैं वो तो अंदर मतलब कि साइड में रहता है और वो अंदर चला जाता है, जब साड़ी पहनो की प्लेट के अंदर चला जाता है पता नहीं चलता है। तो दर्जी से हमने बात किया है कि भैया एक दिन हम आपके दुकान पर आएंगे और जितनी साड़ी है मैं अपनी साड़ियों पे एक तरफ सिलाई से चला लूँगी, तो मैं पैसे भी बहुत इधर बचा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत पैसे की मतलब कि बचाना बहुत समझ गई पैसे की कीमत क्या होती है, बार बार जब साड़ी ओड़ी सिलवाओ ब्लाउज ब्लाओ की साड़ी में फॉलो लगाओगे बहुत पैसे लग जाते हैं। तो इस बार मैंने नहीं दिया है। और मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया था क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि मुझे बहुत टेंशन हो गया था सोनाक्षी को लेकर, तो इस वजह से ब्लाउज सूट करने का मन नहीं कर रहा था। दुखी भी हूँ हंसी भी हूँ मैं और दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, बहुत चिंता में थी, देख रहे थे मेरा शक्ल सूरत कैसा बना था वीडियो में, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। सब लोग इतना समझाए कि टेंशन मत लो सब सही हो जाएगा, बस यही सब बातें हैं और क्या बातें शेयर कर सकती, बस भगवान लोग से आप दुआ करिए कि जल्दी से सोनाक्षी ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और आगे क्या बोल सकते हैं। चलिए आज का ब्लॉग हमारा यही था, अगर आज का ब्लॉग पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।